गाइस इतने दिन देर से चलते जा रहे चलते जा रहे चलते जा रहे, कॉलेज नहीं दिख रहा और सब कुछ दिख गया। इतनी सारी चीजें दिखी है भाई, उधर तो बहुत कुछ है, खाने का तो भंडार है भाई साहब। क्या कह रही है गाइज। अगर आपको माता सुंदरी कॉलेज जाना है तो आपको ITO स्टेशन है उस पर उतरना पड़ेगा, ठीक है। आप आराम से आ सकते हैं, अंडरग्राउंड ही है, आराम से आ सकते हैं। तो अगर आपको माता सुंदरी कॉलेज जाना है तो ITO उतरिए कृपया करके। दैट्स इट, बाय 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 गाइस। एक्चुअली गाइस आज शूट के लिए मैंने अपनी बहन को बुलाया, बड़ी मिन्नत करके उससे कि आप जरूर मेरे साथ बनाइए वीडियो, तो मेरे साथ बना रही है आज। तो ये आखिरी बार मेरी बहन भी लॉन्च होगी इस वीडियो में। और बस यही है, अभी हम ऊपर जा रहे हैं, रूट भी बता देंगे मेट्रो स्टेशन के बाद निकल के आपको कितना दूर जाना है, ठीक है गाइस। चलिए गाइज, आपको निकलते ही मेट्रो स्टेशन से सीधे आना है, ठीक है। आपको माता सुंदरी जाना है तो निकलते ही आपको एक जगह दिखेगी, तो आप ये नोटिस करिए, आपको ये जगह दिख रही है तो आप सही जा रहे हैं। मैं दिखाती हूँ, बस गाइज आपको सीधे चलना है और आगे से बस एक कट आएगा, एक कट वहाँ पर आपको मुड़ जाना है। और तो अगर आप कंफ्यूज हो जाए तो आप किसी से भी पूछ लीजिए, सब बता देंगे आपको, ठीक है, कॉलेज के बारे में। इतने दिन देर से चलते जा रहे चलते जा रहे चलते जा रहे, कॉलेज नहीं दिख रहा और सब कुछ दिख गया। इतनी सारी चीजें दिखी है भाई, इधर तो बहुत कुछ है, खाने का तो भंडार है भाई साहब। क्या कह रही है, मतलब खाने की तो बहुत ज्यादा जगह है, मैं सारे आपको पॉइंट दिखाऊंगी, ठीक है। तो देखते हैं इस व्लॉग में, इस पार्ट में जितना बन पाएगा तो बनाया डाल सकती हूँ, मैं तो डालूंगी, मतलब सेकेंड पार्ट में तो जरूर डालूंगी, ठीक है। वैसे अच्छा आ रहा है, अच्छा अच्छा, हम आते समय आपको सबको दिखाएंगे यहाँ पर क्या क्या है, ठीक है। अभी तो कॉलेज जाने में ही थक गई मैं इतना, अच्छा बहुत चलना पड़ रहा है गाइस, आप लोगों के लिए बहुत चल रही हूँ मैं। अरे किधर है बता दे, किधर है, मैं अपनी बहन से पूछ रही हूँ कि किधर है कॉलेज, इसने बोला आ गया। गाइस आप देखोगे तो ये सामने गुरुद्वारा था, गुरुद्वारा है एक्चुअली, जो कि बंद है अभी, ठीक है। और ये है, ये एंट्री का, ठीक है। ऐसे ही हम अंदर आ गए थे तो फिर गाइस ये आपको ऑडिटोरियम है, जो कि मुझे नहीं पता कि ऑडिटोरियम इतने बड़े होते भाई साहब, भाई आलिशानी ऑडिटोरियम है, वेरी नाइस।
minutes later. बाप रे. गाइस इतनी झमाझम बारिश हो रही है, मैं क्या बताऊं, मैं तो भीग गई. वर्ल्ड और सब भीग गया है, मैं कैसे भिगाऊं आपको. गाइस ये बहुत मुश्किल कड़ी है, मेरी बहन भीग चुकी होगी पूरी तरह से. इतनी तेज़ बारिश हो रही है, मैं आपको क्या बताऊँ, बहुत ही तेज़ बारिश हो रही है. मैं इतना दूर खड़ी हूँ फिर भी मुझे लग रहा है मैं भीग चुकी हूँ. और मेरी बहन ली बाहर. शेट गाइस बहुत तेज़ बारिश हो रही है, मतलब मैं बस बिल्डिंग के अंदर बैठ गई हूँ, यहाँ से निकलना मुश्किल क्या नामुमकिन है क्योंकि बहुत तेज़ बारिश हुई है अचानक से. एंड जैसे कि मैंने आपको दिखाया है सारा, आप देख सकते हैं ये जो अराउंड में है ना, जितना है ये सारे क्लासेस है, ठीक है, ये सारी क्लासेस लगती है यहाँ पर, ठीक है. एंड लाइब्रेरी भी दिखाऊँगी मैम, एंड गुरुद्वारा भी बंद है, बट स्टिल अगर कोशिश कर सकती हूँ मैं तो शायद मैं बोल के बोलूँ, बस शूट करना है, थोड़ा वीडियो करना है, तो क्या पता बना दूँ मैं वीडियो, क्योंकि गुरुद्वारा यहाँ पर बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर गाइस. एंड ऑल्सो मतलब यहाँ का व्यू मुझे बहुत ही पसंद आया, कॉलेज का व्यू बहुत सुंदर लगा, लिटरली बता रही हूँ, माता सुंदरी कॉलेज. एंड मतलब मैंने जितनी बात करी है सबसे बहुत अच्छी मतलब लगे भी बात करने में. एंड देखते अभी मैं देखती हूँ शूट हो पाता है तो ठीक है, वरना अभी बाहर जाना मुश्किल है गाइस, बट आई विल ट्राई माय बेस्ट. सॉरी गाइस. सो आई विल शो माय लिप. बाय बाय.
गाइस यहाँ पर मुझे सबसे ज़्यादा हेल्प एक मतलब पर्सन ने करी जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा, उन्होंने मेरी इतनी हेल्प करी तो मैं उनसे मिलाना चाहती हूँ। तो ये है जिन्होंने मेरी हेल्प करी। आपका नाम? अमृतपाल सिंह। अमृतपाल सिंह जी ने इतनी हेल्प करी, बहुत ज़्यादा, मतलब गुरुद्वारा भी ओपन हुआ, मैं गई पूरा देखा, शूट करवाया, इन्होंने ही वीडियो बनाई है मेरी, तो थैंक यू सो मच। गाइस ये आपका मेडिकल रूम है, अगर आप आना चाहो, बीमार हो, कुछ भी हो, तो इधर ज़रूर आइएगा। सबसे ज़्यादा मेरी हेल्प एक ने करी जो कि यहाँ के सर है, जिन्होंने स्पेशली मेरे गुरुद्वारा खुलाया। आपका नाम सर? सतनाम सिंह। थैंक यू सर, आपने मैंने इतना करा। सर सब्सक्राइब करना मेरे चैनल से। एक्चुअली ये अभी एंड करना पड़ेगा, इसका दूसरा पार्ट ज़रूर आने वाला है, क्योंकि दूसरे पार्ट में भी बहुत कुछ दिखाने को है। आज बारिश हो गई थी तो सारी चीज़ें बंद हो गई, ठीक है, पर मैं दूसरा पार्ट भी मतलब इसी में ही सबको दिखा देती, बट इसका दूसरा पार्ट पक्का बनेगा, ठीक है। तो ये पार्ट देखने के बाद दूसरा पार्ट ज़रूर देखेगा, और मुझे जितना बैर मिलेगा ना उतनी जल्दी मैं दूसरा पार्ट डालूंगी, तो इसलिए मुझे जल्दी 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 जल्दी। हमने एग्जिट कर लिया है कॉलेज से गाइस, ठीक है, एंड मेरी दी पूरी भीग चुकी है, उनको डिग्री मिल चुकी है, दी कॉन्ग्रेट्स। सब कुछ मिलता है, मैगी वगैरह सब कुछ आप खा सकते हैं लेकर, एंड मतलब बहुत अच्छा एरिया है। एंड जो मैंने स्टार्टिंग में जो राउंड दिखाया था ना, वहाँ से लेकर यहाँ तक आने का, तो वहाँ पर वो जितने भी बिल्डिंग्स थी वो बीच में पड़ती है, तो आप अगर रास्ता भी भूल जाए तो वो बिल्डिंग देख के याद कर लीजिएगा कि वहाँ पड़ेगा, ठीक है। दैट्स इट। 5 minutes later. गाइस आपको गेट नंबर दो से निकलना है, ठीक है, वहाँ से आप सीधा जाएंगे तो आपको सीधा मिल जाएगा। एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात याद रखिए, ITO, ठीक है, तो
तो इधर तो अब मैं चाह रही हूँ घर, सेकंड पार्ट डेफिनेटली बनेगा, ठीक है। जितना प्यार मिलेगा मुझे उतनी जल्दी मैं ब्लॉग डाल दूँगी सेकंड पार्ट का, ठीक है। अब मैं जाऊँगी दोबारा कॉलेज, तो दैट्स इट, से बाय बाय। गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल विच इज रेनू एंटरटेनर। एंड प्लीज़ सेकंड पार्ट बनेगा, ठीक है। इसको जितना प्यार मिलेगा मैं सेकंड पार्ट उतनी जल्दी डालूंगी। तो गाइस, माता सुंदरी कॉलेज।